सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। पहले हमें ब्लाउज को बराबर करके रखना है। इसके बाद हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 9 इंच की। अगर आप लंबाई ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे अच्छे से गोलाई का शेप देंगे। अब जैसे हमने गले की लंबाई 9 इंच की ली है तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और ये निशान को हम इस तरीके से मिला के अब हमारी यहाँ से लंबाई है आरुमत के यहाँ से 4 इंच की। सबसे पहले हम यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा तिरछा करके हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाला है। जैसे आप गले पे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसके लिए पाइपिंग निकालनी है। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रख रहे हैं। अब हम यहाँ से इसको अंदर की शर्ट दबाएंगे। जितनी पतली हमें पाइपिंग चाहिए उतना हम कपड़े को बाहर निकालेंगे। अभी हमारा अंदर का कपड़ा है, इसको हम दबा के तुरपाई करेंगे। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पाइपिंग लगानी है इसके ऊपर। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम भी पाइपिंग को रखेंगे। इसको भी हमें अंदर के साथ दबा के इस तरीके से पाइपिंग बनानी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पाइपिंग लगाएंगे। दोनों को हमें इस तरीके से रख के अब हमने ये लेस ली है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच की। अब ये लेस को हम यहाँ पे लगाएंगे इसको इस तरीके से चुन्नट डालते हुए। इसको हमें यहाँ से इस तरीके से आधा आधा इंच की चुन्नटें डालनी है।
अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड लगाएंगे। अब ये यहाँ पे भी हम नीचे की साइड भी लगाएंगे। अब हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे हम आधा इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे। जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच की है तो हमें 1 इंच इसको लंबाई में ज़्यादा लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ये डिजाइन बनाएं तो इसकी लंबाई 1 इंच ज़्यादा रखें। अब हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे आधा आधा इंच सिलाई में दबाते हुए। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड जोड़ेंगे। अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।